हेलो एवर, दिस मिस सुशांत एंड यू आर वॉचिंग लाइफ इज ऑसम सिविल। तो देखिए वर्स, आज मैं आपको एक 14x60 नॉर्मल हाउस का जो है सेंटर लाइन डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है, और उसके साथ ही जो है इसका उस कॉलम टू कॉलम और आउटर फेस विद प्लान के साथ आपको बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे क्या किया गया, 12x18 मीटर का जो टोटल इसका लैंड साइज है एंड उसके साथ ही लैंड साइज़ है एंड ओनली रेंट पोर्शन जो है फिलहाल यहाँ पे मार्किंग किया गया। तो उसका मार्किंग और फुटिंग का साइज़ कितना लिया जा रहा है, और उसके साथ ही आने वाले समय में आपको इसका भी और कुछ डिटेल जानकारी आपको दे देंगे हम। एंड बने रहे वीडियो में पूरा अंत तक, और जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, डेफिनेटली आपको हेल्पफुल हो सकता है। ओके, लेट्स वॉच। फर्स्ट आपको मैं प्लान दिखा दूँगा, प्लान दिखाने के बाद जो है इसका मार्किंग किस तरह से किया गया वो आपको बता दूँगा। तो देखिए यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर लिया गया, और बहुत सारे लोग जो है मुझे पूछते हैं कि किस तरह से बनाते वक्त वीडियो बनाया, तो इम्पॉसिबल है दोस्तों। क्यों बोले तो कंचे जो एग्जैक्ट ट्रायंगल रेक्टेंगल स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल निकालना उतना इजी नहीं है, बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उसकी वजह से फिलहाल कितना मार्किंग किया गया वो आपको बता दूंगा। आफ्टर मार्किंग, बिफोर मार्किंग या फिर मार्किंग करते वक्त जो है बहुत सारे लोग जो है डिमांड करते हैं, बट वो मतलब पॉसिबल नहीं है। फिलहाल ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला पोर्शन जैसा इसे 12, ओके इसे 12 मीटर है बाउंड्री टू बाउंड्री, एंड यहाँ पर जो है 18 मीटर है। और इसमें क्या किया गया, इधर जो है पीछे साइड साउथ साइड जो है तीन फीट का जगह छोड़ा गया, एंड यहाँ पर भी 3 फीट 4 इंच नॉर्थ साइड। ओके, सामने जो है स्टेयरकेस आ गया, इधर ये पार्किंग सेंटर हो गया, हॉल हॉल से इधर किचन पूजा रूम। तो ये वाला प्लान है, ओके इस तरह का ये प्लान। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल जितना भी हम मार्किंग किए हैं ना वो आपका रेंट पोर्शन है। ओके, रेंट पोर्शन यहाँ पे किचन बेडरूम हॉल नंबर 2 बेडरूम हॉल नंबर 1 वो देख रहे हैं ना, वो आपको बता दूंगा। एंड कॉलम का साइज़ लिया गया यहाँ पर 9x15 इंच का कॉलम, और ये है आपको आउटर टू इनर फेस, यहाँ से आउटर से लेके इनर, इनर से लेके आउटर, इस तरह का लिया गया। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट कॉलम, ये उसमें आए थे टोटल 40 फीट है ना, तो 4 कॉलम आए, यहाँ पर भी 12 मीटर यानी कि 40 फीट है करीब। तो इधर 12 कॉलम है, तो 12 कॉलम का मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर 1 2 3 4, ओके 5 6 7 8, एंड यहाँ पर जो है 9 10 11 12, सो टोटल 12 नंबर ऑफ कॉलम्स। एंड फर्स्ट कॉलम जो है ना वहाँ पर है आउटर फेस था बाउंड्री, यहाँ से थोड़े 3 फीट जगह छोड़े गए, ये आपका 3 फीट छोड़ने के बाद जगह जो मिलता है, इधर जो है 15 इंच का कॉलम लिया गया। उसके बाद इसका सेंटर पॉइंट लेके यहाँ से 2 फीट इधर से 2 फीट इस तरह से लिया गया। यहाँ पर भी सेम उसी तरह का ये पॉइंट है ना, ये आपका एक एंड पॉइंट रहेगा, मतलब ये आपका प्लिंथ लेवल या फिर आप कह सकते हो उसे लैंड बिल्ट अप एरिया, ये पॉइंट से लेके वो वाला पॉइंट तक जो है ना 10 फीट 11 फीट 3 इंच कुछ है, फिर वहाँ से लेके 10 फीट 3 इंच, फिर वहाँ से 11 फीट 3 इंच, उस कुछ डिफरेंस के साथ साथ जो है लिया गया। यहाँ पर भी सेम, तो नॉर्मल रूम का साइज ऐसे रेंट पोर्शन है ना, इस पोर्शन में ये एंड टू एंड टोटल जितना आप देख रहे हैं ना यहाँ से लेके फिर यहाँ तक, तो उसमें आ रहे हैं आपका 1 BHK 2 पोर्शन आ रहा है, फिर अभी नेक्स्ट वहाँ से जो है एक्सटेंड हो जाएगा ओनर पोर्शन, उधर से एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, और इसमें देखिए अगर ये पिट है, मान लीजिए पिट है कितना ऐसा 4x4 फीट का है, 4x4 9x15 इंच कॉलम, उसके अंदर नॉर्मली रॉड का साइज़ आ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू आईएस कोड के हिसाब से क्या है, 0.8% से लेके 6% तक रहना चाहिए। तो नॉर्मली यहाँ पर लिया जाता है लोड सब कैलकुलेट करने के बाद, तो अराउंड 1% से लेके 1.2% तक जो है रॉड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड आ जाएगा, एंड एरिया ऑफ द कॉलम साइज जो है 100% रहा तो उसका जो है आपको 1.2% बार का साइज़ लेना चाहिए। तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा यहाँ पर 16mm के 4 लिए तो 12mm का 2 ले सकते हैं, फिर इन बिटवीन जो है लोड जो है चारों पोर्शन से आ जाएगा, फोर साइड से लोड आ जाएगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रॉड का साइज़ या फिर रेनफोर्समेंट जो है हैवी होते जाएगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यूर टाइम, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।